तो विल स्टार्ट विद मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में एक्चुअली दो टाइप के मोशन हमको स्टडी करने हैं, सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन को हम रोटेशनल डायनामिक्स के साथ क्लब कर लेंगे, तो हम हमारा फोकस रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप के हमको देखने हैं, एक है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जिसको आप बोलते हो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक है हाइट टू ग्राउंड जिसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक तीसरा भी है वो स्पेसिफिकली जेई नीट पर्पज के लिए ही होता है, मोस्टली फॉर जेई, दैट इज फ्रॉम ग्राउंड टू इंक्लाइन प्लेन। मतलब आप हिल के नीचे रुक के हिल के ऊपर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो। तो वी विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन और एकदम सिंपल रखेंगे इक्वेशन, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दो पार्ट हमको कम से कम कवर करने हैं, थर्ड भी हम लोग लेंगे, लेकिन पहले हम दो इम्पोर्टेंट पार्ट है। नंबर वन इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब बेसिकली आइडिया ऐसा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन ने बॉल को हवा में मार दिया, एक फुटबॉलर ने बॉल को हवा में मार दिया, और अनदर एग्जांपल वॉर में एक टैंक ने एक शेल एनिमी के ऊपर फेंक दिया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन के। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन एयर मेकिंग सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, दिस मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ पे बट ऑब्वियस बहुत सिंपल सी चीज है, अपने आप कोई भी चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, तो इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी विल नेवर बी जीरो। तो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है यू बार वेक्टर है ये। इनिशियल वेलोसिटी को आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो एंगल बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस को बोलते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। देन इसके दो कंपोनेंट कर लेते हो आप, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, तो एक्स कंपोनेंट इज यू एक्स विच इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट यू वाई विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा यू वाई विच इज यू साइन थीटा, राइट। अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में इससे आगे जाने से पहले कुछ अजम्पशन पता होने चाहिए। हम प्रोजेक्टाइल मोशन चार अजम्पशन के अंडर स्टडी करते हैं। अजम्पशन नंबर वन, देर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आप हवा में थ्रो कर रहे हो, हवा मतलब ग्राउंड से ऊपर आप उसको थ्रो कर रहे हो, तो अगर एयर रहेगा तो एयर पाथ को इफेक्ट करता है, तो हमने एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट कर दिया। नंबर टू, रोटेशन ऑफ अर्थ इज टू बी निग्लेक्टेड, अर्थ का रोटेशन आप निग्लेक्ट करोगे ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल सपोज सपोज हमने एक शेल, शेल मतलब एक यू नो व्हाट इज शेल, टैंक से क्या निकलता है, हाँ बॉम्ब, उस बॉम्ब को शेल बोलते हैं। तो अगर हमने शेल एक जगह से दूसरी जगह मारना है, सपोज ये हमारा टारगेट है, एनिमी कंट्री है, इमेजिन दिस इज अ शेल दैट वी वांट टू हिट टारगेट, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और अगर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको रेंज बोलोगे आप, अगर ये बहुत ज्यादा है तो इन दैट केस हमको मारना था टारगेट टी पे, लेकिन अर्थ रोटेट हो गया, लगना चाहिए था कहीं और लग गया कहीं और, तो हम लोग अर्थ के रोटेशन इफेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं। मतलब रेंज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ रेडियस था 6,400 किलोमीटर। हम यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है, 100-200 किलोमीटर का प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा, उसके ऊपर नहीं हो सकता। उसके ऊपर जाओगे तो फिर हिट करना था एक जगह पे, और का रोटेशन तुमने काउंट ही नहीं किया मेजर कैलकुलेशन में, और का रोटेशन काउंट नहीं किया तो कहीं और जाके लग जाएगा। नंबर थ्री, द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ऐसा क्यों? आपको पता होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में आप सीखोगे, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन हम यहाँ पे जी की वैल्यू कांस्टेंट मान के चलेंगे, और वो कांस्टेंट मान के कब होता है, जब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा प्रोजेक्टाइल, ऐसा प्रोजेक्टाइल अगर होगा तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे जी का वैल्यू चेंज होगा, जी का वैल्यू चेंज होगा तो कैलकुलेशन चेंज होंगे,
थर्ड असम्पशन है हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, और चौथा असम्पशन है द ओनली फोर्स दैट वी कंसिडर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वी स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर दिस फोर असम्पशन। नंबर वन, एयर रेजिस्टेंस इज टू बी निग्लेक्टेड। नंबर टू, रेंज इज स्मॉल। नंबर थ्री, हाइट इज स्मॉल। नंबर फोर, अभी बताया मैंने, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब ये प्रोजेक्टाइल अपना पाथ कवर करेगा, वैसे इस पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, द पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। और एक चीज आपको बतानी चाहिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगा जब फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं। तो अगर आप इस मोशन को देखोगे, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशन, इसलिए पहले मेंशन किया मैंने, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब माइनस वाई में फोर्स है लेकिन एक्स में फोर्स है क्या? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है क्या? नहीं। मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में कहीं पे भी क्यों नहीं हो, उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। तो ये जो यू एक्स है, यू कॉस थीटा, वो हर जगह पे वही रहेगा यू एक्स। लेकिन लेकिन इनिशियली जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा था, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा? कम होता जाएगा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट विल रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, इट विल बिकम स्मॉलर 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 स्मॉलर, एंड एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट इट बिकम जीरो, वी वाई इक्वल टू जीरो। फिर जैसे मैक्सिमम हाइट से नीचे आने लगा तो वापस से इसका वाई कंपोनेंट बढ़ने लगा, और फाइनली जब ग्राउंड पे वापस आया तो जितना इनिशियल था वापस उतना का उतना ही हो गया, कितना? यू साइन थीटा। सिर्फ एक डिफरेंस है, इस बार ये माइनस साइन के साथ है, माइनस यू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब हमको इस पूरे मोशन में क्या क्या लगने वाला है, कौन से इक्वेशन लगने वाले, पहले पूरा एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए। नंबर वन, यू विल नीड इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ये आएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, क्योंकि मोशन टू डी है तो सिर्फ एक्स एंड वाई कंपोनेंट आएगा, तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और uy इक्वल टू u साइन थीटा। क्या क्लियर? अब हमको और क्या लगने वाला है, हमको लगेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये जो पाथ इसने फॉलो किया, किसने फॉलो किया? प्रोजेक्टाइल ने, उस पाथ का इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, लेट मी आस्क यू, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, सोच के बताओ। x square plus y square equal to r square, गलत है क्योंकि मैंने एक्सेस अभी तक बताए नहीं थे। अब बताओ, x square plus z square equal to r square, अगर मैं x और y लिखूंगा तो x square plus y square equal to, what about this, x square plus y square, नहीं, x square by a square plus y square by b square equal to 1। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज कि कोई ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर टू डायमेंशनल हो तो उसके इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों दिखेंगे, अगर मोशन एक्स और वाई है तो, अगर मोशन एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स और वाई दिखेंगे। ये मोशन हमने लिया कौन से प्लेन में लिया? एक्स और वाई में, तो हमको इसका इक्वेशन बनाना है तो एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा, वाई इक्वल टू समथिंग एक्स इक्वल टू समथिंग, ऐसा इक्वेशन आएगा। इक्वेशन डिराइव करने से पहले, हम डिराइव करेंगे क्योंकि लगने वाला है आपको, आपको और एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए जो मैंने पहले भी कई बार बताई है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। तो हमारे पास पैराबोला का एक पूरा फैमिली है, इस फैमिली में चार मेंबर है, चारों का नाम भी है, मतलब इक्वेशन है इन शॉर्ट। ये आ गया पहला मेंबर, ये हो गया दूसरा मेंबर, वेरी गुड प्रिपरेशन करके आए हो, एक्सीलेंट। ये आ गया उसका तीसरा मेंबर और ये आ गया उसका चौथा मेंबर। अब इन टोटल चार
पैराबोला है तो चार इक्वेशन है, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, पर जिनको नहीं पता, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। देन कौन सा इक्वेशन किसका, वो याद रखने का एक ट्रिक है। ट्रिक इज सिंपल, इसको और इसको पहले कर दो साइड में, जस्ट कीप दिस साइड। ये एक्स जैसा दिखता है क्या, ये एक्स जैसा दिख रहा है क्या, व्हाट इज एक्स रेस टू वन, एक्स। तो मैं एक्स रेस टू वन लिखता हूँ, मतलब जिस इक्वेशन में एक्स रेस टू वन है उन दोनों के ये दो इक्वेशन है, तो ये दो पैराबोला मतलब उन दो में से एक इक्वेशन, एक एक दोनों को मिलेगा। पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स इज पॉजिटिव, तो ये जो रेड कलर का कर्व दिखाया है ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो रेड वन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दूसरा और तीसरा क्वाड्रेंट, एक्स इज नेगेटिव, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। उसके बाद ये जो था ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में है, वाई होता है पॉजिटिव, बराबर वाई क्या होता है, वाई होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और ये वाला अगर आप देखोगे तो ये है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये चार पैराबोला और ये चार इक्वेशन। अब बात ये थी कि चारों इक्वेशन मुझे क्यों पता होने चाहिए, तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि क्यों पता होने चाहिए आपको ये इक्वेशन, क्योंकि हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो इन चारों में से एक जैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इनको यहाँ से हटा दूँ, तो इफ यू सी हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो भी ऐसा ही था ना, ऐसा ही। तो जब हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाना होगा तो ऐसा ही एक इक्वेशन बनना चाहिए, मतलब एक्स का पावर 2 आना चाहिए, वाई का पावर 1 आना चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, चेंज ये है कि ये जो वर्टेक्स है पैराबोला का वर्टेक्स, वो इस केस में कहाँ पे है, ओरिजिन पे। हमारा जो केस है, पहली बात तो उसमें ये ओरिजिन पे नहीं है, है क्या ओरिजिन पे। दूसरा ये भी शिफ्टेड है, तो इसका मतलब हमारे पास इस इक्वेशन में एक दो एक्स्ट्रा टर्म्स आएगी, और जो भी इक्वेशन आएगा उसमें एक्स स्क्वायर क्या दिखेगा, माइनस, और एक हाथ एक्स्ट्रा टर्म आएगा। तो दिस इज फर्स्ट क्रॉस चेक कि हमको इक्वेशन हम डिराइव तो कर लेंगे सही है कि नहीं, कैसे पता लगेगा वो देखते हैं। अब पिछले सेट ऑफ क्वेश्चन में, मतलब मोशन इन 1D में, दो तीन क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे डाले थे जिसमें एक्स कंपोनेंट अलग से दिया था, वाई कंपोनेंट अलग से दिया था, और शायद एक्सप्रेशन पूछा था या वेलोसिटी पूछा था, ऐसा कुछ तो था। हमें लिखा था ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि ये एक्चुअली 2D मोशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आके तो सॉल्व कर लेंगे, वो इंटेंशनली वहाँ पे डाला था क्वेश्चन। रीजन वॉज कि आपको एक हिंट मिल जाए कि 2D मोशन को आप 2 1D में सेपरेट कर सकते हो। अगर मोशन एक्स वाई में है तो आप एक्स को अलग से ट्रीट कर सकते हो, वाई को अलग से ट्रीट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है। हमारे मोशन 1D की 2D है, सोच के बताओ, 1D की 2D है, 2D है ना, तो 2D इक्वेशन है तो इसके ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन में वाई और एक्स आएगा, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए है तो मोशन, मोशन मतलब काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगने वाले हैं हमको, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने सीखा कि यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू -g, ए एक्स इक्वल टू 0। ए एक्स 0 क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स है क्या, ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ए वाई इक्वल टू -g बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, नंबर वन।
आप बोलोगे आधे मोशन में अगेंस्ट ग्रेविटी है, आधे मोशन में इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो ऐसा नहीं होता है। इनिशियल कंडीशन देखना पड़ता है, इनिशियली क्या है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो ए वाई इक्वल टू माइनस जी और ए एक्स विल रिमेन जीरो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, इसके तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर चेंज क्योंकि वहाँ फोर्स ही नहीं है तो चेंज नहीं होगा। और फिर हमारे पास एक इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। रिमेंबर हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्ट टाइम, मतलब वाई और एक्स को रिलेट करना। हमारे पास एक इक्वेशन है, टू डी मोशन को आप दो वन डी में सेपरेट कर सकते हो, यस। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस एक्स मतलब एक्स, क्योंकि एस एक्स मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अराउंड एक्स, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। u x is u cos theta into t, a x is 0, s y मतलब y, u y मतलब u sin theta into t minus g t square by t। हमको कनेक्ट करना था, रिलेट करना था x और y को, यहाँ x और y डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट होने चलते। x is a function of t, y is a function of t, x t पर डिपेंड करता है, y भी t पर डिपेंड करता है, तो कॉमन लिंक मिल गई हमको। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लिखूंगा t इक्वल टू u cos theta by x, बराबर x by u cos theta, वेरी गुड। तो है ध्यान है, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, x अपॉन u cos theta, और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट y इक्वल टू u sin theta into t, लेकिन t क्या है, x upon u cos theta minus gt square by 2, तो g by 2 t square, t is x u cos theta का square, so you will have y equal to u cancel, sin upon cos is tan, so x tan theta minus g by 2 x square upon u square cos square theta। तो अभी कंपेयर करो वो पैराबोला का इक्वेशन, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए, टू, कितना आना चाहिए था, टू है क्या, यस, किसके साथ चाहिए था, माइनस साइन के साथ है क्या, यस, एक्स को रिपीट नेगेटिव साइन, और वाई का पावर कितना चाहिए था, वन, और एक एक्स्ट्रा टर्म क्यों आया, क्योंकि ये शिफ्टेड था, तो एक्स टाइम थीटा माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर यहाँ तक। अब जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में है मतलब मोशन में है, जब मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली क्या चेंज कर रहा है, एक्स और वाई। जब पार्टिकल अपना एक्स वाई पोजिशन चेंज करे तो हम बोलते हैं पार्टिकल इज अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, पार्टिकल इज अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर मुझे पार्टिकल का एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो पार्टिकल, इमेजिन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम पार्टिकल यहाँ पे है, सम पॉइंट पे है, लेट अस से पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो फाइंड करना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तुम बिना एक्सिस देखे मेरे को बिल्कुल आंसर देना नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वो वेलोसिटी टाइम का, इधर तो ना वेलोसिटी ना टाइम, नहीं एक्स वाई है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस कवर्ड, नॉट लाइन ऑफ डिस्टेंस, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वैक्टर। इनिशियली पार्टिकल खुद ओरिजिन पे था, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिन से, तो इनिशियल पोजिशन वैक्टर कितना है, जीरो। फाइनल पोजिशन वैक्टर को मैं आर बोलता हूँ, आर, लेट मी कॉल दिस एज स्मॉल आर। तो पोजिशन वैक्टर खुद ही डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है यहाँ पे,
क्योंकि इनिशियल जीरो था, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से। नॉर्मली क्या होता है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इनिशियल पोजीशन वेक्टर जीरो था क्योंकि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ही बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखोगे फिर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो आर बार इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स को तुमने फाइंड किया है यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी आई कैप। एक्स क्या है, यू कॉस थीटा टी है, और साथ में कौन है आई कैप। वाई क्या है, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप। क्लियर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा होता मॉड ऑफ आर, तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस, अब जो आप बोल रहे थे वो सही था, आप बता रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स क्या है, यू कॉस थीटा टी है, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर, बेटर आई विल राइट डाउन यू कॉस थीटा टी होल स्क्वायर, जाएगा यू कॉस थीटा टी का स्क्वायर, और ये ना टी एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं तो फिर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा है वो। और वाई क्या है, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर, ये मिल गया आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब और क्या क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, एक्स कंपोनेंट भले ही चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी का, लेकिन कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, वाई कंपोनेंट। और वेलोसिटी क्या होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मतलब इवन दो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, बट वाई कंपोनेंट इज चेंजिंग, मतलब हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं है, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा आपको। तो यू मे हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना इज वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज इंस्टेंटेनियस मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन किसका था, यू का था, किसका था, ए का। तो आप इस वजह से लिखोगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। लेकिन मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ए एक्स क्या है, जीरो है, अगर ए एक्स जीरो है तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स है, इसलिए तो बोला था कि हमने एक्स कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होता है, तो ये हमेशा क्या रहता है, यू कॉस थीटा। जिनके दिमाग में ये आइडिया फिट बैठ गया ना कि एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, तो आगे की इक्वेशन तुमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि मोशन को तुम इमेजिन नहीं करते हो, जब तक तुम उसको इमेजिन नहीं करोगे, इनफैक्ट जब प्रोजेक्टाइल वर्ड आया ना दिमाग में, तो सारा मोशन कंपोनेंट के फॉर्म में दिमाग में फिट बैठना चाहिए, एक्स कंपोनेंट चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट छोटा छोटा होता गया, जीरो हो गया, बढ़ते गया बढ़ते गया, वापस से नेगेटिव डायरेक्शन में इक्वल वैल्यू आ गई यू साइन थीटा बट विथ माइनस साइन। यहाँ पे वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, बराबर है, करेक्ट है, माइनस जी टी। तो वी बार आ गया वी एक्स आई कैप, वी एक्स कितना है यू कॉस थीटा आई कैप, प्लस वी वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा होता, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है, मतलब आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर पूछा है, मतलब अंडर रूट ऑफ वी एक्स इज यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर आपसे ये पूछा है, तो ये मिल गया। और कई बार आपको पूछते हैं व्हाट इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इमेजिन याद रखना यहाँ पे ना दो अलग अलग एंगल्स है, एक इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो इनिशियल वेलोसिटी ने बनाया था विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वो होता है
थीटा, वो अलग है। एक है इंस्टेंटेनियस जो फाइनल वेलोसिटी बनाता है। फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करेगा प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है। प्रोजेक्टाइल अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो वाई कंपोनेंट जीरो है, एक्स कंपोनेंट नॉन जीरो है, लेकिन वाई कंपोनेंट जीरो है। याद रखो जब भी आपको डायरेक्शन पूछा हो हमेशा टैन, क्या टैन, और टैन हमेशा होता है वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, कौन सी वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का या फिर इंस्टेंटेनियस का अपॉन एक्स कंपोनेंट। व्हाट इज वी वाई, अभी फाइन किया हमने, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगल। टैन ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, इतना मोशन समझा है तो आगे के इक्वेशन ध्यान में आएंगे। अब तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम चेंज इन वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इनिशियल अलग था, फाइनल अलग है, टॉप मोस्ट पे अलग है। तो जब मोशन है तो यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे 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 अलग है, तो क्या हम हर एक पॉइंट पे चेक करते बैठेंगे? नहीं, हम क्या करते हैं, हम चेंज इन वेलोसिटी मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम हाइट एंड द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम चेंज इन वेलोसिटी मेजर तो करेंगे लेकिन ओनली फॉर टू केसेस। वन इज चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन highest point and point of projection and between final position and initial position by the point of projection. So, अगला case है to find out what is change in velocity. What is change in velocity? और इसमें भी दो cases कर लेंगे, एक between maximum height, between maximum height एंड इनिशियल पोजिशन, तो हमको ऑलरेडी पता है इनिशियल पोजिशन पे वेलोसिटी क्या था, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। यू एक्स क्या था, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। और मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, मतलब इक्वल टू यू कॉस थीटा, बट वी वाई इक्वल टू जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, यू क्या आएगा, व्हाट इज वी बार वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई कितना है, जीरो है। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस, तो डेल्टा वी बार इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल है आपके पास, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस इनिशियल कितना है, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू कॉस थीटा कैंसल, तो कितना आ गया, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। और अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो यू साइन थीटा, बराबर लिखना बिल्कुल नहीं है, उसका एक रीजन बताता हूँ मैं आपको, ये याद रखना ही नहीं है, लॉजिकली सोचो, जिसमें चेंज नहीं उसमें चेंज नहीं, जो चेंज ही नहीं होता उसमें क्या चेंज फाइंड करोगे, बराबर है ना। एक चीज है जो चेंज नहीं होती, एक्स कंपोनेंट, तो वो इक्वेशन में कभी दिखेगा नहीं, फाइनल इक्वेशन में है क्या, एक्स कंपोनेंट यू पर छोटा है, नहीं, चेंज कौन होगा, पहले कितना था यू साइन थीटा, अब कितना हो गया, मैंने पूछा जीरो हो गया, मैंने पूछा इनिशियल कितना था यू साइन थीटा, फाइनल कितना है, तो यू साइन थीटा को जीरो करने के लिए क्या करोगे, है माइनस यू साइन थीटा है, तो तुम इक्वेशन लिखते क्यों, आई एम सरप्राइज व्हाई डू यू राइट डाउन इक्वेशन, फिजिक्स ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में स्कोर करना है ना, फिजिक्स को एंजॉय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिख रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है,
फिर तुम चेंज में एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, करना ही नहीं था। तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज कौन हो रहा है भाई? कंपोनेंट पहले कितना था, यू साइन थीटा, अब कितना है? जीरो। तो कितना चेंज है? माइनस यू साइन थीटा है, क्योंकि मैं यू साइन थीटा में माइनस यू साइन थीटा ऐड करूंगा तब जाके जीरो होगा। हो गया, ये हो गया बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड इनिशियल पोजिशन। फिर आई एम नॉट सेइंग कि तुम लिखो मत, तुम लिखो लेकिन तुम घर पर जाके लिखो, अभी नहीं। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देन मैंने तीन पोजीशन बताई थी, एक मैक्सिमम हाइट, एक फाइनल पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन। हमने फाइंड किया चेंज वेलोसिटी बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड इनिशियल और फाइनल एंड इनिशियल। माइनस टू यू साइन थीटा, वेरी गुड। बिटवीन 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 फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, मैं ये सिर्फ लिखने के लिए लिख के दे रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी होता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। फाइनल पोजीशन लैंडिंग के बाद, ग्राउंड पे वापस आने के बाद होता है u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। माइनस q क्योंकि पहले ऊपर था अब नीचे है, y कंपोनेंट हो गया रिवर्स इन्वर्टेड। जो चेंज नहीं हो, चेंज नहीं, कौन चेंज नहीं, तो तुम करते बैठो इसको। डेल्टा v इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल तुम लिखते बैठो, वो चेंज नहीं है तो नहीं है। पहले कितना था यू साइन थीटा, अभी कितना है माइनस यू साइन थीटा है, तो चेंज कितना है माइनस टू यू साइन थीटा है। नहीं तो फिर करो माइनस करो, वी बार में क्या है माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा, तो माइनस माइनस कितना, फाइनली थैंक यू हो गया। हाँ मैंने अगर पूछा होता मुझे मैग्नीट्यूड बताओ चेंज का तो सही था, ये तो तुमने पहले भी किया है। सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन था, एक एरोप्लेन है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ये 100 था ऊपर की तरफ, ये 100 है नीचे की तरफ, दो वेक्टर्स अपोजिटली डायरेक्टेड, ये v है ये भी v है राइट, तो चेंज कितना है 2 भी है, 2 into 100 आंसर इज 200। तो हमने सॉल्व किया है ये ऑलरेडी, है तो क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अब कुछ रह गया क्या हमको सोचना पड़ेगा? अब ये हो गया वेलोसिटीज का, अब और तो कुछ पेंडिंग नहीं है, लेकिन एक चीज है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ रेंज, ये 5-6 पैरामीटर हमको अभी भी करना बाकी है। टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब असेंडिंग, डिसेंट मतलब डिसेंडिंग। तो टाइम ऑफ एसेंट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, तो फाइंड कर लेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हो टाइम ऑफ एसेंट। अब इक्वेशंस इजी करना डिफिकल्ट करना इट इज इन योर हैंड। मैं जब बोल रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट तो मेरा मतलब सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट के साथ ही है, सिर्फ असेंडिंग मोशन के साथ है, डिसेंडिंग के साथ नहीं। मतलब ये नहीं कि डिसेंड नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वेशन जब डिराइव करने होते हैं ना तो तुमको क्या करना है, टाइम ऑफ एसेंट करना है, तो तुम सिर्फ असेंट के पार्ट पे ध्यान दो, डिसेंट विसेंट बाद में देखेंगे। आसान क्यों होता है काम, पता है? क्योंकि तुमने सिर्फ असेंडिंग का पार्ट देखा ना, तुम्हारे दिमाग में फटाफट से एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आ गई यू साइन बराबर, और एक वैल्यू आ गई और चाहिए टी, बी पता है, यू पता है, ए पता है, चाहिए टी, बताओ v equal to u plus at, v equal to u plus at, vy equal to uy plus ay t a, क्योंकि time of ascent बोल रहे हो तुम, zero u sin theta minus g t a, ay is minus g, minus q क्योंकि gravity के against है, तो g t a equal to u sin theta है, तो t a equal to u sin थीटा बाय, गुड, इक्वेशन करेक्ट है, याद रखने का तरीका गलत है। मैं क्या करता,
मैं यू साइन थीटा को लिखता ही नहीं, मैं यू वाई लिखता हूँ। मैं आखिरी तक इसको यू वाई चलने देता, क्योंकि मेरे लिए फिर काम इजी हो जाता ना, यू वाई बाय थ्री, और टाइम ऑफ एसेंडेंस यू वाई बाय थ्री। अब लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करता हूँ, ओनली फोर्स ग्रेविटी लेता हूँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसको ऊपर थ्रो करता हूँ, मेरे हाथ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए अगर उसको 2 सेकंड लगते हैं, तो मैक्सिमम हाइट से मेरे हाथ पर आने के लिए कितना टाइम लगता है? राइट, तो जितना टाइम ऑफ एसेंड होता है उतना टाइम ऑफ डिसेंड होता है, बिकॉज ग्रेविटी इज अनबायस्ड। जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा कितना लगा? यू वाई बाई जी, तो नीचे आने के लिए कितना लगेगा? यू वाई बाई जी, तो सेम टाइम ही लगने वाला है उसको। तो टाइम ऑफ डिसेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना ही क्यों है? डिराइव कर सकते हैं, लेकिन करना क्यों है फिर? जब पता ही है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही आने वाला है, राइट? तो टी डी विल बी यू वाई बाय जी, बराबर। ये आ गया डिसेंट का पार्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कम्प्लीट इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी। उसको अपना पूरा पाथ कवर करने में जितना टाइम लग गया उसको बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी अगर ट्रैवल किए होंगे एरोप्लेन से, तो वहाँ पे दो अलग अलग टाइम लिखे होते हैं, एक होता है टोटल टाइम, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम इज द टाइम इंक्लूडिंग फ्यूलिंग, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है अगर, तो कहीं तो बीच में रुकना पड़ेगा, वो पेट्रोल भरेगा, पेट्रोल मतलब पेट्रोल नहीं होता है उसका, फिल्डर होता है, वो रिफिल करेगा। हाँ, वो टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस रिफिलिंग टाइम। हाँ, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम दैट यू विल स्पेंड इन एयर, जब एरोप्लेन अपने प्रोजेक्टाइल मोशन में है, वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट बोले ना, फ्लाइट में जाऊंगा, तो फ्लाइट वर्ड ही यहाँ से आया, यहीं से तो आया वो वर्ड। फ्लाइट इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, कितने टाइम लगता है? टी ए प्लस टी डी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी, टी ए प्लस टी डी, लेकिन टी ए जितना था उतना ही टी डी है, यू वाई वाई जी प्लस यू वाई वाई जी, टू यू वाई वाई जी। टी इक्वल टू टू यू वाई बाई जी, आपके बुक में लिखते हैं टू यू साइन थीटा बाय जी, क्योंकि यू वाई की वैल्यू होती है यू साइन थीटा। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आई विल रिकमेंड यू रिमेम्बर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि आगे जाके तुमको समझेगा, रेंज और मैक्सिमम हाइट के इक्वेशन में इतना कंफ्यूजन रहता है, अगर तुम थीटा के टर्म में लिखोगे तो कन्फ्यूजन है, अगर तुम कंपोनेंट लिखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं है। एक में आर इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई बाई जी आता है, दूसरे में एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई टू जी आता है, एकदम सिंपल है वो। अगर आप याद रखने जाओगे इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो फिर क्या याद था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, नीचे जी था, नीचे टू जी था, गए सोचने में ही गए। फिर नहीं याद आ रहा है तो फिर डिराइव करते बैठेंगे, तो दिस इज अ लूप जहाँ पे तुम अटकते जाओगे। तो याद रखना, बेटर इज टू रिमेंबर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्या क्या रह गया, क्या रह गया? हमने तो बात ही नहीं की हाउ मच डिस्टेंस द प्रोजेक्टाइल कवर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। बी केयरफुल वाइल डिफाइनिंग हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यूरिंग इट्स मोशन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नॉट द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैक्सिमम बोल दिया तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जब बोलोगे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैक्सिमम वर्ड यूज किया अगर, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री लेना पड़ता है। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज फॉर एंगल 45 डिग्री। तो
रेंज बोलते वक्त मैक्सिमम वर्ड फिलहाल यूज नहीं करना, जब करना है तब देखेंगे, अभी नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, तुम थोड़ा थोड़ा सोचो क्या चाहिए। आर बराबर रेंज, डायमेंशनली डिस्टेंस, कौन सा इक्वेशन में डिस्टेंस आता है, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एस से स्टार्ट करता हूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर। तुम कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हो, एक्स, लेकिन मोशन कंप्लीट हो गया, हो गया तो मोशन कंप्लीट होकर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर। तो क्या लिखोगे, आर। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ तो तुमने एक्स लिखा था, वहां तुम आर लिख रहे हो। मैंने बोला इंस्टेंटेनियस है, मोशन खत्म नहीं हुआ है, मोशन चालू है, तो एक्स वाई चेंज होता रहेगा। तो जब तक पूरा मोशन खत्म नहीं होता तुम एक्स इक्वल टू आर लिख नहीं सकते, तो इसलिए क्या लिखा मैंने, एक्स। यहाँ पे मोशन खत्म हो गया पूरा, यस, तो क्या लिखा, आर। और यू एक्स, तो ये एफ एक्स, ये यू एक्स, ये यू एक्स, u cos theta t, टाइम ऑफ फ्लाइट, मोशन खत्म हो गया तो टोटल टाइम लेना पड़ेगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मोशन खत्म हो गया और ax क्या है, जीरो है। तो r इक्वल टू यू कॉस थीटा टू यू वाई बाय टू यू वाई, क्या था, u साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाय। तो ये आ जाएगा आपके पास r इक्वल टू टू यू स्क्वायर, क्योंकि u इंटू यू इज यू स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये एक इक्वेशन है, r इक्वल टू यू स्क्वायर बाहर लिख दो, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ये साइन टू थीटा है, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय, ये और एक इक्वेशन है। और ये जो इक्वेशन है आर का यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये एच के इक्वेशन के साथ आपको इतना कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन टू थीटा है, वो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे नीचे जी है, वहां पे नीचे टू जी है। इसके लिए आई रिकमेंड दैट यू शुड नॉट बी रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला एट ऑल। व्हाट इज यू कॉस थीटा, यू वाई, व्हाट इज दिस, यू वाई, तो क्या गया, टू यू एक्स यू वाई बाय टू यू एक्स यू वाई बाय जी। कंफ्यूजन का सोर्स ही खत्म कर दिया हमने, कंफ्यूजन का सोर्स था साइन स्क्वायर या साइन टू थीटा, थीटा ही हटा दिया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, टू यू एक्स यू वाई बाय जी। अब क्या रह गया, अब रह गया एच का इक्वेशन, हाइट का इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट, हाइट में मैक्सिमम बोल सकते हो क्योंकि एक ही पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम हाइट होगा, बस खत्म। यहाँ पे तुम बोल सकते हो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन डिराइव कैसे करोगे, इंफॉर्मेशन क्या है, मैक्सिमम हाइट पे क्या है, वी वाई जीरो है, यू वाई पता है यू साइन थीटा है, ए वाई पता है माइनस जी है, फाइंड क्या करना है, एच, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए है। ओ वाई 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 एंड वाई, ये था जीरो, ये इसको फिलहाल, मैं इसको फिलहाल यू वाई ही रखूंगा, मुझे पता है वो यू साइन थीटा है। ए वाई को लिख दूंगा मैं माइनस जी, और इसको लिख दूंगा मैं एच, तो टू जी एच, टू जी एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, तो एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, और यू वाई कितना है तुम्हारा, यू साइन थीटा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय। I will recommend that you remember like this. ज़्यादा easy है, u y square by. अब relation between r and h, range और height का relation, तो कुछ नहीं है, क्या करना है, range को height से divide कर देना है। range क्या है, 2 u x u y by g है, ये क्या है, u y square by 2 g है, g g u y u y, 2 2 cancel नहीं है, फोर है वो, तो फोर यू एक्स बाय यू वाई,
अगेन आई विल रिकमेंड दैट यू रिमेंबर इट इन दिस फॉर्म, आर बाय एच इज टू यू एक्स बाय यू वाई. लेकिन लेकिन यू एक्स होता है यू कॉस थीटा और ये होता है यू साइन थीटा. यू यू हो गया कैंसल, कॉस अपॉन साइन एक्स कॉट, और एच को शिफ्ट कर दिया तो आर इक्वल टू फोर एच कॉट थीटा. ऐसा भी याद रखोगे चलता है. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, बराबर. हाँ अभी तो पहले ही टाइप का रिलेशन चल रहा है और इजी है, बहुत ही इजी है, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. आए तो केम प्रिपेयर किया, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. मैंने दो चार क्वेश्चन पूछे आपसे पहले के बैच में भी, आपसे भी सेम पोजीशन था. डू नॉट रिकॉल फॉर्मूला. पहला ही क्वेश्चन ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का है. हम तो अभी तक ऑब्लिक ही देख रहे हैं. मैंने कहा था ना एट हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग, तो हाइट से तुम ड्रॉप कर रहे हो, हाइट से तुम ड्रॉप कर रहे हो तो ग्राउंड टू ग्राउंड तो नहीं है वो. वो कौन है? ऑब्लिक. हाइट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है वो, ऑब्लिक था. ये कौन है? हॉरिजॉन्टल है. तो तुमको ऑब्लिक नहीं पता तो तुमको हॉरिजॉन्टल नहीं पता, नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो पता होना चाहिए. अब एक लास्ट चीज दैट यू शुड नो. यस चलो लास्ट चीज जो है वो फर्स्ट चीज थी आज की. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? बस यही मेरा एक्सपेक्टेशन था. वाई इक्वल टू एक्स टाइम थीटा, यहाँ तक सबको पता होता है. माइनस जी एक्स स्क्वायर. ओके हो गया गलती, हो गया गलती. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट टू रिमेम्बर है, तो एक काम करो एक्स टाइम थीटा कॉमन निकाल लो. यहाँ पे आ गया वन, एक्स स्क्वायर में से एक्स गया, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तुमने टेन थीटा निकाला था क्या आपके पास? नहीं. तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे. वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स. जो जी है इस जी को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा. टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन, और साथ में ये जो जी ऊपर से लाया नीचे वो एक कॉस एक कॉस. टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी. तो ये आ गया आपका वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर. अब अगर मैं पूछता बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? वन माइनस एक्स बाय आर, एक्स टेन थीटा इन टू वन माइनस एक्स बाय. अब इजी हो गया, बराबर. तो अभी आज के लिए ना इतना काफी है, पहले इतना करो, फिर कल हम इसका 15-20 मिनट में बचा हुआ थ्योरी खत्म करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.